समाजवादी पार्टी आलाकमान द्वारा जैसे जैसे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है, वैसे वैसे विधानसभा में हलचल सी मचने लगी है। ताजा मामला कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां से जियाउर रहमान के नाम के संकेत के बाद कुंदरकी विधानसभा में हलचल मच गई। कुंदरकी विधानसभा इलाके में उनके ऊपर बाहरी प्रत्याशी होने का आरोप लगाया जा रहा है। क्षेत्र की जनता द्वारा अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए गुहार लगाई गई। कुंदरकी विधानसभा इलाके में कई स्थानों पर बाहरी प्रत्याशी बताकर जियाउर रहमान का विरोध किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान गुस्साए क्षेत्रवासियों द्वारा बाहरी प्रत्याशी का पुतला भी दहन कर दिया गया। उधर डिंगरपुर इलाके में जमा भीड़ द्वारा बाहरी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं के नारे लगाए गए। कहा गया कि हमारे क्षेत्र के जनप्रिय नेता को नजरअंदाज किया गया है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें सिर्फ आजी रिजवान को प्रत्याशी देखना है। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में लगातार बाहरी प्रत्याशी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं और विरोध भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर क्षेत्र में लगातार माहौल गर्माता जा रहा है और लोग अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में देखना चाहते हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन करने के साथ साथ पुतलों का भी दहन किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस ओर आला कमान क्या कदम उठा पाएगी। क्या भारी प्रत्याशी को हटाकर स्थानीय प्रत्याशी को सिंबल का ऐलान किया जाएगा, ये भी एक सोचने का विषय है। प्रश्न ये है कि हमें अपने क्षेत्र का विधायक चाहिए, हाजी रिजवान चाहिए। हमें बाहर का कोई विधायक हमें मंजूरी नहीं है, दूसरे क्षेत्र का कोई भी आदमी हमें मंजूर नहीं है, हमें हाजी रिजवान चाहिए। कहाँ का प्रदर्शन चल रहा है आपका? कुंदरकी दिल्ली करेगी, इस पे प्रदर्शन चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि इनको टिकट नहीं मिलता तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, और एक जो जिम्मेदार सिपाही है 25-26 साल से इस पार्टी की खिदमत कर रहा है, कि अचानक उस आदमी का टिकट काट दिया, उसी का प्रदर्शन है। ये अखिलेश जी ने गलत निर्णय ले लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ बाहरी लोगों कहने से गलत निर्णय ले लिया, उसी के विरोध चल रहा है। ये जो जियाउर रहमान बरपू जो 29 विधानसभा कुंदरकी से टिकट दिया है, हमारे विधायक जी के विपरीत दे रहे हैं टिकट, उसी के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको कोई जानता भी ना विधानसभा में, नहीं कोई उनकी पहचान है, नहीं कोई पकड़ है, और बाहरी विरोधी लोग जो उन्हें लगाए हुए हैं, भाजपा के लोगों ने उन्हें चढ़ा उड़ा के हमारा टिकट दिलवा रहे हैं, और विधायक जी के विरोध में हम किसी भी पार्टी को लड़ाएंगे, लेकिन उसे नहीं लड़ाएंगे। ये प्रदर्शन टिकट वितरण में जो धांधली हुई है, उसी संबंध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसके टिकट विरोध में? समाजवादी पार्टी के 29 विधानसभा कुंदरकी से माननीय विधायक, ऐसी खबरें मिली हैं माननीय हाजी रिजवान साहब का टिकट काट के जियाउर रहमान बरपू दे दिया गया संभल से। मेरा ये कहना है कि ये जो बाहरी प्रत्याशी जो इन्होंने हमारे ऊपर जो मुसल्लत कर दिया है, भेज दिया है, इसका क्या मतलब होता है भाई? जो जो आदमी लगातार 25 साल से 20 साल से काम कर रहा है एक पार्टी में रहकर, इतने मुकदमे लगे हैं उसके ऊपर, तो आज इसलिए ही कर रहा था कि जो आदमी कभी पतंग में चला जाए, कभी बसपा में चला जाए, और वो हमारे कैंडिडेट के सामने हमेशा खड़ा हुआ संभल से, और फिर यहाँ आने का मुरादाबाद वो कुंदरकी में खड़ा। मौजूदा विधायक हैं ये, लेकिन उनका टिकट काटा गया है, क्या समस्या हो रही? कोई समस्या नहीं थी, ये तो जबरदस्ती काटा गया टिकट।